नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकोड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खबरें मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। बालाघाट जिले के उकवा में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति उकवा खान ने किया प्रतिमा विसर्जन। उकवा सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति उकवा खान के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई थी एवं पूरे 10 दिनों तक सुबह एवं शाम को आरतियों भजन कीर्तन रखा गया था। खान प्रबंधक दिलीप डेकाटे के द्वारा बताया गया है कि शासन के आदेशानुसार एवं शासन की गाइडलाइन अनुसार मास्क एवं सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रतिदिन भक्तजनों को समझाइश दी जाती थी। साथ ही नवमी के दिन रावण वध किया गया एवं दूसरे दिन देवी तालाब समनापुर में माँ सरस्वती गणेश भगवान एवं दुर्गा माँ की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। विसर्जन के पूर्व माँ सरस्वती की आरती एवं विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई तथा प्रसादी भी वितरण की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आरएस चंद्रकार, दिनेश गेडाम, मिथिलेश लाडे, मनीष डोंगरे, प्रवीण नकपुरे, सीआरएम रेड्डी, अंकित सिंह, विवेक कुमार, अभिषेक, मुकुर पवन राणा एवं कर्मचारी तथा कामगार का भरपूर सहयोग रहा। उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। वहीं बालाघाट सोनपुरी किरनापुर में हुआ भव्य देवी जागरण। ग्राम सोनपुरी हनुमान मंदिर के सभा मंच में वैशाली रैकवार देवी जागरण ग्रुप जबलपुर के द्वारा भव्य देवी जागरण की प्रस्तुति दी गई। माता रानी के अनेक भजनों का सुंदर झांकियों सहित आयोजन किया गया। इस देवी जागरण में ग्राम के समस्त ग्रामीण जन उपस्थित हुए, भक्ति गीतों का आनंद लिया। देवी जागरण के शुभारम्भ में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्रीमती पुष्पलता लिखीराम कावरे, विधायक प्रतिनिधि बेनीराम खोटेले, जनपद उपाध्यक्ष हिम्मत लांगड़वंशी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यूसुफ पटेल, लिखन कावरे, बस एसोसिएशन बालाघाट के अध्यक्ष मुकेश चौहान इस कार्यक्रम में पहुंचे। अतिथियों ने नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज नवरात्रि के पर्व पर माँ दुर्गा व काली की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा को शक्ति स्वरूपा माना जाता है, ऐसे ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। ऐसी हनुमान मंदिर युवक मंडल दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष योगेश ब्रह्मे, संरक्षण बंटी अर्जुन आर, संचिव पांचे, कमलेश चौधरी, जगदीश निखाड़े, भूपेंद्र अजीत, लोकेश अजीत, ग्राम के अन्य गणमान्य नागरिक व जनता उपस्थित रही। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए किरनापुर से मदन मोहन पारासर की रिपोर्ट। वहीं बालाघाट लामता में आस्थापूर्वक विदाई की गई मां जगदम्बा की प्रतिमा। भाव विभोर होकर बगीचा टोला निवासियों ने विदा किया माता रानी को। लामता गांधी चौक एवं बगजी टोला में विराजी माता रानी की प्रतिमा एवं ज्योति कलश ज्वारा को सुबह की पूजा अर्चना एवं आरती कर ग्रामीणों ने भाव विभोर होकर माता रानी को अंतिम विदाई देते हुए विसर्जन के लिए लामता का भ्रमण करते हुए बगीचा टोला के तालाब के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं ने डीजे की धुन में जमकर झूमे नाचे। तालाब पहुंचकर विसर्जन की आरती कर माता रानी को जल में विसर्जित किया गया। यह संपूर्ण कार्यक्रम माता रानी के विसर्जन जुलूस लामता पुलिस की निगरानी में संपन्न हुआ। बालाघाट लामता से शत्रुघ्न ठाकरे की रिपोर्ट। वहीं बालाघाट में रावण का अहंकार धू धू कर जला। हनुमान ने 40 किलो का धारण किए मुकुट। सत्य की असत्य पर जीत का पर्व दशहरा पर्व बालाघाट शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही धूमधाम से राम भक्तों की झांकियों के साथ निकाल कर भगवान ने अपने तीर कमान से असत्य अहंकार के प्रतीक लंकापति रावण का उत्कृष्ट विद्यालय में मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी पुतला दहन किया गया। इस वर्ष भी दशहरा चल समारोह महावीर सेवा दल समिति के द्वारा
पुराने श्री राम मंदिर से अपराह्न निकलकर श्री राम शोभा यात्रा के आगे हनुमान स्वरूप मुकुट 40 किलो का शिवम सचदेव महाराज ने धारण कर हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ निकले, जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा। जो हनुमान चौक से काली पुतली चौक होती हुई उत्कृष्ट विद्यालय में पहुंची, जहां पर संध्या के लगभग 7 बजे रावण का पुतला दहन किया गया। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट से पंकज जहरवाल की रिपोर्ट। जन की ओर से जो कोविड गाइडलाइंस सभी की पालन करने को कहा गया था, तो समिति से हमने जो बैठक की थी, शांति समिति ने काफी हमारा सहयोग किया और शांतिपूर्ण ढंग से हमारा पूरा आयोजन निपट गया है। इसके लिए मैं सभी गणमान्य नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं और हमारी मीडिया बंधु जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया, उनका भी धन्यवाद। किसी प्रकार का कोई क्राइसिस निर्माण तो नहीं हुआ सर आज का? क्या भव्यता देखी गई कार्यक्रम? बालाघाट की जनता बहुत अच्छी है इस कार्यक्रम में, देखा है किसी प्रकार से हमें पुलिस तरीके से काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब आराम से जुलूस भी चलता रहा और आराम से पूरा कार्यक्रम। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो निर्देश थे सर, उसके परिपालन में जिले वासियों के लिए कोई संदेश आपका आज के इस कार्यक्रम को लेकर? उसके बाद में जो है आप क्या होता है, अभी प्रोटोकॉल कोरोना काल चल रहा है, इस चीज को देखकर असमंजस की स्थिति थी ही, एक जनता को मतलब नियंत्रित करने के हिसाब से वो बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन जब प्रशासन ने देखा कि पब्लिक की श्रद्धा इतनी है, वो किसी भी तरीके से बैरिकेड्स और इतने पुलिस प्रोटेक्शन को लगाने के बाद भी रुकने तैयार नहीं, तो प्रशासन ने मतलब उसको बड़ी किस्सा था। जुलूस जैसे कि यहाँ आया तो काफी भीड़ थी और कुछ बच्चे और कोई अधिकारी की चोटिल होने की जानकारी भी, क्या जानकारी सही? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी व्यक्ति चोटिल नहीं हुआ है। अब ये बात एक अलग है कि कार्यक्रम इतना बड़ा है तो थोड़ी बेची मतलब कमी बेसी तो रही जाती है, लगभग 50,000 से ऊपर आदमी रहते हैं इतने बड़े आयोजन को, मतलब महावीर सेवा दल समिति हमारे बहुत ज्यादा सदस्य नहीं है, थोड़े से ही सदस्य हैं और उनके द्वारा मतलब इस प्रकार से कार्यक्रम संपन्न किया जाता है, अपने आप में बड़ी भारी सफलता है। हम तो देखते हैं कि बालाघाट में अगर छोटा से छोटा भी कार्यक्रम होता है तो उसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन हमारी जो महावीर सेवा दल समिति एक छोटी समिति है, बहुत ज्यादा कार्यकर्ता नहीं है, बहुत ज्यादा कार्यकर्ता नहीं रखने का एक उद्देश्य रहता है कि आपस में सहयोग बना रहा है, किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।